हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 7:20। और आज मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ और लगेज मैं नीचे रखूँगा, और एक जगह जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक गुरबैल डाय जग, अगर नाम प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा, गुरबैल डिया है इस जगह का नाम, तो वहाँ जा रहा हूँ। तो लगेज मैंने पैक कर दिया है, ये देखिए मेरा रूम। और 7:30 हो गए, देखो 8:45 बजे तक यहाँ पे अंधेरा ही होता है। ये देखिए हेलो, गुड मॉर्निंग। तो रेडी हो गया हूँ मैं, लगेज मैंने अपने होटल में ही छोड़ा है। 3-4 बजे फिर से वापस आऊँगा। अभी देखें, यहाँ पे टाइम हो रहा है 8:15 हो रहे हैं यहाँ पे, और अंधेरा है अभी भी। और बस सर्विस पता नहीं अभी शुरू हो रही है नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे, दिखाता हूँ आपको आगे दिन के वीडियोज़। तो इस वक्त बस स्टॉप में मैं बैठा हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। तो जो मिनिमम फेयर यहाँ पे शुरू होता है, चाहे जितना भी डिस्टेंस आप ट्रैवल कर लें, वो 1.85 यूरोस, मतलब जो हमारी करेंसी में लगभग बनता है अराउंड अबाउट 200 ही मान के चलिए, 180-200 के बीच में है। तो ये मिनिमम किराया है, और उसके बाद डिस्टेंस के हिसाब से अगर ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो वो फिर डबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन फिर भी काफ़ी ईजी, और यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा चीप वे है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का। ये देखिए सामने यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ पे हमारे हिमालयस हैं, उनके आगे तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे हैं हिल्स हैं ये। तो यार आज ये देखिए रेलवे स्टेशन, तो आज मैं ऐसे ही अपने माइंड से एक नया रूट लेकर आया, और आज मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस है यहाँ से जहाँ पे मैं रुका था। और मुझे तो जो बस है वो भी करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर देखिए, वो देखिए सामने होराइजन में, लास्ट में आपको अटलांटिक, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वो दिख रहा है। पिछले कल गए थे हम यहाँ पे इस बीच में, और ये मैं नीचे उतरना शुरू हो रहा हूँ। वो थोड़ी सही चल रहा हूँ मैं, मुझे लग तो रहा है कि ठीक है, बाकी पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहा। यूरोप जाना जाता है अपने फैशन के लिए, खाने पीने के तौर तरीकों के लिए, और फ्रेंच वाइन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और जैसे कि बोर्डो, जिसे हम अपनी हिंदुस्तानी भाषा में बॉर्डियो भी कह सकते हैं, या फिर शैंपेन, और फ्रेंच भाषा में इसे शैंपेनी प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये बेसिकली फ्रांस के इलाके हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं रिस्पेक्टिव शैंपेन या वाइन के उत्पादन के लिए। इसके अलावा जो भी इलाके फ्रांस में है वो इस ब्रांड नेम को यूज नहीं कर सकते। फ्रेंच वाइन्स थोड़ी सी महंगी होती है, और आज जिस जगह हम जा रहे हैं ये स्पेन में है। फ्रांस की तरह यहाँ पे भी कुछ इलाके हैं जिन्हें स्पेसिफिक ब्रांड, इलाके, क्लाइमेट और वहाँ का जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो वाइन प्रोड्यूस होती है उसका सर्टिफिकेशन है। तो आज हम स्पेन के कुछ इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे वाइन प्रोड्यूस की जाती है। बिल्कुल फ्रांस की तरह सर्टिफिकेशन मिलती है उन एरियाज को वाइन को डेवलप करने के लिए। एक इलाका अगर किसी ब्रांड नेम को यूज करता है तो दूसरा इलाका उस ब्रांड नेम को यूज नहीं कर सकता। इस सर्टिफिकेशन में कितनी क्वांटिटी होगी, कितनी अल्कोहल की मात्रा होगी, वो सब कुछ तय होता है। सैन सेबास्टियन से 3.5 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचते हैं अराशिया वैली। ये एक रूरल इलाका है और यहाँ पे चीज, हनी और वाइन तैयार की जाती है। और यहाँ पे गुरबाइया माउंटेन है जिसे क्लाइंब करने के लिए आसपास के शहर से यहाँ पे पर्यटक आते हैं। Bao, which is the capital of the other province, and then we've got Victoria, which is the capital of the third province. Now,
in both, let's call it Bilbao and San Sebastian, we've got our saint, our patron, is San Ignacio. This is San Prudencio, which is the patron of Vitoria, the other region, okay? Vale, básicamente, sabéis, en el País Vasco ahora mismo tenemos tres provincias, Álava y Gipuzkoa y Vizcaya, ¿vale? कह रहे हैं कि यहाँ पे कैफे है, इधर देखते हैं जाके, बड़ी सुंदर जगह है। देखें यहाँ पे साइड में, ऐसी जगह पे आने का मौका हमें कभी नहीं मिल सकता था। अगर बड़ी यूनिक सी जगह, मैं लेके जाता हूँ आपको। स्पेनिश नो इंग्लिश दो सौ मीटर के करीब हाइट है यहाँ की बता रहे हैं, जो है लग भी रहा है। टेम्परेचर इस वक्त 15 और 16 डिग्री के आसपास है। अच्छी जगह है यार, लगे खूबसूरत जगह है। तो यहाँ के देखिए गांव भी कितने मॉडर्न है। कैफे बार से अंदर यहाँ पे रेस्टोरेंट थे, जो चर्च था, मिक्सी था, चर्च भी था, बार भी था, यहाँ पे सब कुछ पैरेलल ही चल रहा था। दोस्तों यूरोप के इस ट्रिप में हमारे साथ बने रहिए और पांचवा पार्ट जरूर देखिए। Keep
cualquiera, ¿vale? Calm down, guys. Esta más clarita es la de Rioja Alavesa. If it was, if you had more moisture. तो यहाँ पे आए थे हम वाइन टेस्टिंग के लिए, तो तीन टाइप की, तीन वैरायटीज हमने यहाँ पे टेस्ट की, वाइट, रेड और एक वायलेट सी थी जो बहुत ही अलग टेस्ट की थी, रेड टाइप की ही थी लेकिन वायलेट, वायलेट का कलर था उसका। ये है अट्टर पे बेलेसिया। आज मेरा स्पेन में आखिरी दिन है और शाम को 7:30 बजे मेरी बस है पेरिस के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते रहिए कंट्रीसाइड ट्रैवल्स।